आज हम जमात पंचम का हिंदी मजमून चौथा सबक रोबोट ये सीखने जा रहे हैं। दूसरी इकाई का चौथा सबक, इसमें हिंदी के वर्णमाला बताए गए हैं। रोबोट और सबने देखे हैं, उस रोबोट के अंदर आपको पेंसिल से जो स्वर और कुछ व्यंजन दिए गए हैं उस पर आपको हाथ फेरना है। अब यहां पर हम देखेंगे कि वर्णमाला में स्वर और व्यंजन ऐसे दो हिस्से हैं। पहले स्वर है, आप सब जानते हैं, अ आ ई ई उ ऊ ए ऐ ओ औ अम आहा। और इसी तरह से अंग्रेजी में अल्फाज लिखने के लिए ए और ओआ का इस्तेमाल किया गया है। ए जैसे भाई दो के ऊपर लगाए गया, गैस, इस तरह के अल्फाज, ओआ वाच, वाकर, मैम, इस तरह से जो अल्फाज लिखने के लिए इन दो स्वर को बढ़ाया गया। इसी तरह से अनुस्वर और विसर्ग क्या है, तो ओ के ऊपर गौर से सुनिए, ओ के ऊपर बिंदी लगाने से वो अम बन जाता है, यानी अनुस्वार की आवाज आती है। ओ के ऊपर बिंदी लगाने से अम। अब इस तरह से तमाम हम व्यंजन पे लगा सकते हैं। अब अनुनासिक स्वर क्या है, अनुनासिक क्या है, तो ओ के ऊपर जो है चंद्र बिंदु जिसको कहते हैं, ओ पर चंद्र बिंदु लगाने से आम की आवाज निकलती है। इससे हम जैसे लिखे ना चांद, माँ, तो ये जो नाक के अंदर आवाज गूंज रही है उसके लिए जो है ये अनुनासिक नाम दिया गया है स्वर। और ओ पर जो है वो चंद्र बिंदु लगाई जाती है। अब देखिए संयुक्त व्यंजन क्या है, तो संयुक्त व्यंजन व्यंजन क्ष त्र ज्ञ श्र, ये दो से मिलकर बने हैं। अब देखिए इसी तरह से पंचमाक्षर, तो पंचमाक्षर यानी के ये अनुस्वार ही है, इसको भी जो है ऊपर बिंदी लगाई जाती है, नुक्ता लगाया जाता है, जो अण न म, तो ये भी जो है अनुस्वार वाले काम करते हैं, आवाज निकलती है। तो यह टोटल पांच है, इसलिए इन्हें पंचमाक्षर कहते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको ये इब्तिदाई मालूमात समझ में आई होगी।